Hare Krishna. Welcome to VMARS Career Consultants Private Limited YouTube channel. मैं अमन शुक्ला, CEO of VMARS Career Consultants. हमारा एक ऑफिस दुबई में है, एक सिरसा में है, एक कुरुक्षेत्र में है और नोएडा इज द हेड ऑफिस. हम बात कर रहे थे यूके के स्टडी वीज़ा से पीआर तक की पूरी जर्नी का. आज ये दूसरा वीडियो है. तो आज का हमारा डिस्कशन रहेगा तीन चीज़ों के ऊपर कि यूके में कोर्सेज कौन कौन से अवेलेबल्स हैं, यूके के अंदर आइल्स की ज़रूरत है या नहीं है और गैप क्या कितना एक्सेप्टेबल है यूके के अंदर. कोर्सेज के लिए मैं जहाँ भी सेमिनार करता हूँ या जिनकी भी काउंसलिंग करता हूँ सबको एक ही बात बोलता हूँ. अब बेसिक लॉजिक क्लियर करूँगा मैं आप लोगों को आज कि यूके भी एक कंट्री है, इंडिया भी एक कंट्री है. जो भी कोर्सेस एक कंट्री में होते हैं वही कोर्सेस दुनिया की हर कंट्री में होते हैं. थोड़े बहुत सेक्टर्स कहीं ज़्यादा और कहीं कम होते हैं पर कोर्सेस की ऑप्शंस ऑलमोस्ट दुनिया में एक जैसी ही होती है. मैं एग्जांपल देता हूँ, यूके के अंदर ग्रेजुएशन भी होती है, मास्टर्स भी होती है, रिसर्च भी होती है, पीएचडी भी होती है. इनके अलावा जैसे इंडिया के अंदर जिन बच्चों को ग्रेजुएशन नहीं करनी वो डिप्लोमा कर सकते हैं तो यूके में डिप्लोमा भी होता है. जिन बच्चों को मास्टर्स नहीं करनी उनको डिप्लोमा करना है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, वो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी कर सकते हैं. तो 6 चीज़ें अवेलेबल हैं: अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, प्री मास्टर्स प्रोग्राम, मास्टर्स प्रोग्राम, रिसर्च एंड पीएचडी. तो ये सारे के सारे कोर्सेज यूके में अवेलेबल हैं. डिपेंड करता है अब आपकी जो लास्ट एजुकेशन रही है और उस एजुकेशन में आपके किन सब्जेक्ट्स के अंदर बेस्ट 4 रहे हैं, उन बेस्ट 4 सब्जेक्ट के बेस के ऊपर कंसल्टेंट आपको एडवाइस करते हैं कि ये कोर्सेज ऑप्शंस आपके लिए हैं. कोर्सेज यूके में बहुत हैं पर सब डिपेंड करता है आपकी लास्ट एजुकेशन के ऊपर. तो वो जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपने कंसल्टेंट को देते हैं तो वो कंसल्टेंट आपके डॉक्यूमेंट्स के बेस पर और आपकी लास्ट एजुकेशन के बेस्ट 4 सब्जेक्ट के बेस के ऊपर आपको एक बेस्ट ऑप्शन निकाल के देते हैं. एंड यू हैव टू चूज द ऑप्शंस व्हिच इज़ बेस्ट फॉर योर करियर. दूसरा टॉपिक था हमारा आज का आइल्स. यस, यूके इज़ एन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री तो डेफिनेटली आइल्स इज मैंडेटरी इन यूके. बट इन फ्यू यूनिवर्सिटीज और आई शुड से मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज गिव दिस ऑप्शन दैट यू कैन कम एंड स्टडी यूके विदाउट आइल्स. पर उसके लिए कुछ क्राइटेरिए हैं. पहला क्राइटेरिया है कि आपकी जो लास्ट एजुकेशन रही है विच इज़ 10th, 12th या ग्रेजुएशन, उनके अंदर आपके 65 और अबव परसेंटेज होने चाहिए इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर. ओवरऑल होने चाहिए 50 एंड अबव, पर इंग्लिश में 65 एंड अबव हैं तो मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस आपको आइल्स वेवर दे देती हैं. अगर आपके 65 से कम हैं पर 60 से ज़्यादा हैं तो भी चांसेस पॉसिबिलिटी होती हैं. लेस देन 60 में और मोर देन 50 में वी कैन ओनली ट्राई, वी कैनॉट अश्योर यू दैट विदाउट आइल्स हो जाएगा. सेकेंड रिक्वायरमेंट विदाउट आइल्स की होती है MOI विच इज़ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन. आपको अपने लास्ट एजुकेशन विच कैन बी अ कॉलेज और स्कूल से आपको एक लेटर लिखवाना होता है. उसका फॉर्मेट इजीली अवेलेबल है, कंसल्टेंट आपको दे देंगे कि आपका जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन था, जो आपकी पढ़ाई रही है पूरी की पूरी कॉलेज में या फिर स्कूलिंग में, वो इंग्लिश मीडियम में रही है. तो आपकी इंग्लिश की परसेंटेज 65 एंड अबव होनी चाहिए और MOI आपको स्कूल या कॉलेज से लेना चाहिए. इन दो क्राइटेरिए के ऊपर आपका आइल्स वेवर होने के बहुत हाई चांसेस रहते हैं. आइल्स अगर आपको देना भी है तो उसमें भी दो चीज़ें हैं.
एक है नॉर्मल एकेडमिक आइल्स, एक होता है UKVI आइल्स। बहुत सिंपल शब्दों में समझा रहा हूँ, जैसे मैंने आपको कोर्सेज समझाए थे अभी, ग्रेजुएशन एंड मास्टर्स, और ग्रेजुएशन के पैरेलल ही होता है एक डिप्लोमा, और मास्टर्स के पैरेलल ही होता है आपका पीजी डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा। अगर आप डायरेक्ट ग्रेजुएशन या मास्टर्स प्रोग्राम में जा रहे हो और परसेंटेज 65 से कम है तो आपको आइल्स एकेडमिक देना है। अगर आप डिप्लोमा प्रोग्राम्स में, विच इज प्री बैचलर्स या प्री मास्टर्स में जा रहे हो, तो उसमें आपको UKVI आइल्स का टेस्ट देना होगा। तो रिमेम्बर, डायरेक्ट ग्रेजुएट या डायरेक्ट मास्टर्स प्रोग्राम में जा रहे हो तो आइल्स एकेडमिक, अगर प्री बैचलर्स या प्री मास्टर्स में जा रहे हो तो UKVI आइल्स आपको देना है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एन आइल्स एंड अ UKVI आइल्स। एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है हर बच्चे का कि कितना गैप एक्सेप्टेबल है। फिर एक लॉजिक क्लियर करता हूँ आप लोगों को कि दुनिया में गैप कुछ नहीं है। आप समझिए गैप होता क्या है। गैप का मतलब है जिस चीज को आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। आज हम कह रहे हैं कि 16 साल या उसके ऊपर का बच्चा UK पढ़ने जा सकता है, तो 16 साल तक आपने क्या करा है? वो तो गैप है ना 16 साल का आपके लाइफ का। पर आप कहते हो नहीं जी, 16 साल तक मैंने पढ़ाई करी है, तो मतलब कि वो गैप जस्टिफाइड हो गया। अब आपका 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल तक का गैप एक्सेप्टेबल है, पर अगर वो जस्टिफाइड है, अगर आप उसको डॉक्यूमेंटेड जस्टिफाई कर देते हो, तो वो गैप गैप नहीं रहता। आपने उस ड्यूरेशन में कोई डिप्लोमा कोर्सेज करे हैं, कोई और एंट्रेंस टेस्ट दिया है, आइल्स की तैयारी कर रहे हो, कहीं जॉब कर रहे हो, फैमिली को सपोर्ट कर रहे हो, फैमिली बिजनेस में हो, अगर किसी जगह पे डॉक्यूमेंटेड नहीं हो सकता तो आपका CV चाहिए होगा, CV में ये मेंशन होना चाहिए। तो किसी भी तरीके से 5 साल तक का गैप एक्सेप्टेबल है, लेकिन वो गैप खत्म हो जाता है जब आप उसको जस्टिफाई कर देते हो इन राइटिंग। या तो डॉक्यूमेंटेड प्रूफ हो, और डॉक्यूमेंटेड प्रूफ नहीं हो सकता है तो आपका एक CV बनेगा, उस CV के अंदर मेंशन हो जाएगा। सो आज हमने कवर करा है कि UK में कोर्सेज कौन से हैं, UK के अंदर आइल्स की क्या रिक्वायरमेंट है, आइल्स विदाउट आइल्स कैसे होता है, UKVI आइल्स क्या है, और गैप कितना एक्सेप्टेबल है, 5 साल का गैप एक्सेप्टेबल है। हम अपनी अगली सीरीज में UK के फर्दर डिटेल में आगे बढ़ेंगे हम लोग। थैंक यू। हरे कृष्णा।